हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुज केव्स। फॉर टुडेज वीडियो हम लोग आज करेंगे सरोजनी हॉल। सो यार, सरोजनी की मैंने इतनी वीडियो देखी है ना कि मैं तो एकदम पागल हो रखी थी जाने के लिए। सो जब मुझे जाने का मौका मिला तो मैं तो वहां जाके टोटली शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वहां पे इतनी सस्ती चीज़ें मिलती है। मुझे लगा नहीं था कि जितना यूट्यूब पे दिखाते हैं उतनी सस्ती होती होगी, बट ट्रस्ट मी, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती है यार। क्योंकि मैं जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे 50 रुपये के कपड़े मिलने इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी नहीं मिलेंगे आपको। और मैं बता दूँ, सबसे पहले अंडर 3000 मैंने पूरी शॉपिंग की है। मैं आपको इस वीडियो को दो पार्ट में दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी क्लोथिंग वगैरह जो मैंने किया है, पार्ट में मैं आपको एसेसरीज, फुटवेयर और जो भी मैंने खरीदा ना एक्स्ट्रा चीजें, वो सब मैं आपको। आपको दिखा देती हूँ ये जो टॉप मैंने पहना है, यही वाला। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फेवरेट पीस था। तो इसमें यहाँ पे ये स्ट्राइप्स हो रखी है और इसका कलर इतना ज्यादा अमेजिंग है। मेरे पास इस कलर में कोई भी टॉप या फिर कोई भी स्वेटशर्ट काइंड ऑफ नहीं था। और मुझे हाई नेक बहुत ज्यादा पसंद है विंटर्स में भी, और जब मिड विंटर्स होते हैं ना तब आप इसे यूजली कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ये वाला ली थी और इसमें आपको ये पूरा जैसे आपको दिख रहा है हाई नेक डिटेलिंग है विथ फुल स्लीव। और इसका मटेरियल इतना ज़्यादा प्यारा है, जो रिब्ड मटेरियल होता है ना, इस तरीके का इसका रिब्ड मटेरियल है। और इसकी लेंथ भी परफेक्ट है, साइज भी परफेक्ट है। मुझे ओवरऑल ये पीस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ये सिर्फ और सिर्फ 200 का था गाइस। तो 200 में इतनी प्यारी प्रीमियम क्वालिटी। तो ऐसे ही था मेरा पहला परचेज। अब मैं सेकेंड आपको दिखाती हूँ। मैंने ना 50-50 वाले स्टॉल देखे घुसते ही, जैसे ही मैं एंटर हुई ना। तो वहां पे मैंने सबसे पहला जो स्टॉल देखा वो 50 वाला था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैंने 50 वाले से सबसे पहले ये वाला पीस लिया था। तो ये भी सेम टर्टल नेक है और ये फुल स्लीव्स है और इसका भी ये टर्टल नेक है पूरा, ठीक है। इस तरीके की ये ड्रेस है, ड्रेस नहीं है ये टॉप है। सो थोड़ी सी लॉन्ग है ये, जैसे कि आपको दिख रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने में। और ये वॉर्म भी है, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि 50 रुपए का है और ये वॉर्म नहीं है। तो 50 रुपीज में ये मिल रहा है यार, आपको हाई नेक और क्या चाहिए लाइफ में। इसी के साथ मैंने और भी चार चीजें खरीदी थी। सो मैंने 200 की चार टॉप खरीदी थी, तो 50-50 ईच पड़ी थी मुझे। सो गाइस, सेकेंड जो टॉप है वो ये वाला है। ये इतना प्यारा कलर है, एक तो आप देख सकते हो वाइन रेड कलर है इसका। और ये मतलब ये ना क्रूशिया पैटर्न में है, जो कि ये यहाँ से सी थ्रू है, बट आप ये अंदर में इसके कुछ इनर या स्पैगेटी डाल लोगे ना तो बहुत प्यारा दिखने वाला है। और ये पूरा ही ओवरऑल ऐसे लाइक पैटर्न में हो रखा है। और इसका जो नेक डिटेलिंग है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देखो, इसकी इस तरीके की नेक है ये, यहाँ से और यहाँ पर आपको ऐसे राउंड डिटेलिंग मिल जाती है, जो कि पहनने के बाद बहुत प्यारी दिखती है। फुल स्लीव्स है ये भी, और इसके स्लीव्स में भी अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे ऐसे कट वाले डिटेलिंग है, ठीक है। तो ओवरऑल ये टॉप बहुत ही प्रिटी था, मुझे एक नज़र में ये पसंद आ गया था और मुझे ऐसा ही चाहिए था, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्पैगेटी वगैरह डाल के इसे कैरी कर सकूँ, तो ये बहुत प्यारा दिखता है। तो ये भी सिर्फ 50 रुपीज में है गाइस, मतलब देख सकते हो, और कोई भी डिफेक्ट नहीं था कुछ भी मेरे जितने कप मैं लाई हूँ। तो इसमें मुझे बस एक पैंट में थोड़ा सा एक कट दिखा है, वो भी मैं घर लाई तब मुझे दिखा, तो वो वाला बस पीस थोड़ा सा डिफेक्टेड है, बट उसे भी हम कुछ जुगाड़ लगा के पहन लेंगे। मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ। तो मैंने थर्ड इसी के साथ जो परचेस किया था 50 वाले ही स्टॉल में था, वो भी एक ये हाई नेक टॉप है। कैन यू बिलीव, ये 50 रुपीज का है। तो देखो, इसकी भी फुल स्लीव्स है, हाई नेक है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये सेम ही इसी तरीके का ये टर्टल नेक टॉप है, जो कि यार इसमें, और मैं आपको एक फन पार्ट दिखाती हूँ, इसमें जो है ना, ये देखो गैप का स्टिकर लगा हुआ है, गैप का। कैन यू बिलीव, ये गैप का स्टिकर के साथ है। तो मुझे लगता है ये हो सकता है गैप का भी हो, एक्सपोर्ट रिजेक्टेड जो पीसेस होते हैं वो, क्योंकि ये इतना वॉर्म है। ट्रस्ट मी, ये 50 रुपए का है। मैंने इसको लगभग 10 बार पहन लिया अभी तक, क्योंकि सरोजनी मैं एक मंथ पहले गई थी, तो 10 बार तो मैंने ऑलरेडी इसे पहन रखी हूँ मैं, और 10 बार ये धुल चुका है, फिर भी इसकी क्वालिटी कुछ भी खराब नहीं हुई है। पहन के सो भी गई हूँ मैं एक दो बार। तो जो मैंने फोर्थ पीस लिया 50 रुपीज के स्टॉल में था, वो ये है, सर है ये। तो ये ऊपर आप इसे लेयर करके पहन सकते हो। सो ये फुल स्लीव्स है और ये शर्ग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे बांधने के लिए डोरी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो अब हम लोग अपना बजट हाई करेंगे। हाई मतलब 100 रुपीज वाले कैटेगरी में मैं आपको दिखाती हूँ। तो 100 रुपीज कैटेगरी में मुझे जो सबसे प्यारा पीस लगा ना मेरा परचेस, वो था ये वुलन वाला कम्फी सा पजामा। तो ये देखो, ये फुल लेंथ पजामा है और इसके ऊपर इतने क्यूट क्यूट से ऐसे एनिमल बन रखे हैं,
ठीक है। और ये इतना ज्यादा प्यारा है ना, मतलब इसका ये फर काइंड ऑफ मटेरियल है, ये देखो कुछ फर जैसा है, और इसके ऊपर एनिमल्स प्रिंट एनिमल प्रिंट है, और इसमें यहाँ पे इलास्टिक आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे 100 रुपीज में ओनली मिला, और ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल है और वॉर्म भी है एज वेल, क्योंकि आप ठंड के लिए अगर पहन रहे हो पजामा तो थोड़ा वॉर्म होता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये वाला पजामा मुझे इतना प्यारा लगा, इसका भी कलर ब्लू है, स्टॉल लगा रहता है ना जिसमें राउंड वाला कार्ड रहता है, उसमें से मैंने ये लिया। ऑलमोस्ट मैंने हर आइटम ही मतलब वो 100 रुपीज 50 रुपीज 200 रुपीज वाले कार्ड से लिया, क्योंकि मैं ज्यादा बार्गेन वहां पे करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि जब चीजें सस्ती मिल रही है तो उसे और ज्यादा बार्गेन करके कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैंने बहुत सारी चीजों में बार्गेनिंग की है, एसेसरीज वाले में, फुटवेयर वाले में मैंने किया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो उसको वो वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जब वो वीडियो आएगी तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। 100 रुपीज में मैंने जो नेक्स्ट लिया है, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना प्यारा सा ये ट्राउजर मिला है ना, ये देखो ये ट्राउजर पैंट है। तो इसका कपड़ा बहुत ही सुंदर सा कॉटन कपड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो पैटर्न हो रखा है ना, आपको सामने से दिख रहा होगा आई गेस कपड़ा, मुझे ये एकदम एंकल लेंथ आ रही है, और मुझे एंकल लेंथ पैंट ही चाहिए था। और ये स्ट्रेट पैंट है, इसका मटेरियल बहुत टॉप नॉच है, इसके जिपर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, तो कोई भी इसमें डिफेक्ट मुझे दिखा नहीं, कोई भी एक होल भी नहीं है छोटा सा। तो मेरे लिए ये 100 रुपीज का ट्राउजर लाइक बहुत सस्ता है यार, ट्राउजर बहुत महंगे आते हैं और इस मटेरियल में तो और भी महंगे आते हैं। फिर मैं आपको एक 100 रुपीज का पैंट दिखाती हूँ, एक्चुअली 150 का था, बट इस पे ही मुझे एक डिफेक्ट दिखा है, मम्मी ने वो पता लगाया, मुझे तो दिख भी नहीं रहा था। तो जब मैं खरीद रही थी ना, तो ये वही कार्ट में था, ये 100 रुपीज का प्लेन व्हाइट ट्राउजर है इस तरीके का, उस टाइम पे मुझे डिफेक्ट नहीं दिखा था, बट यहाँ पे कहीं पे तो होल है, यस ये छोटा सा ऐसा होल है, ये देखो ये छोटा सा ना आपको अगर दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे ये कट है, और सेम ही पीछे भी एक छोटा सा ऐसा ही सा माइनर सा कट है, तो ये सिर्फ मम्मियों को दिख सकता है, इतनी बारीक नज़र मेरी तो नहीं थी, तो मैंने देखा तो मुझे दिखा नहीं, और ये कोई गंदा भी नहीं था, तो मैंने ले लिया 150 में ही लिया है, और इसके पॉकेट्स भी हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी नीचे है, तो मैं इसे कट करके पहन लूँगी, तो देखते हैं, और या फिर इसे कुछ रफू वगैरह करा के पहन लेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि थोड़ा सा बजट हाई हो गया है, 250 के रेंज में मैंने लिया था, सेम ही ट्राउजर, जो क्वालिटी मैंने आपको 100 दिखाई ना, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं स्टार्टिंग घुस रही थी ना, एंटर कर रही थी मार्केट में, तब मुझे एक वो दिखा, मतलब दुकान था, वहां पे कार्ट भी थे, कार्ट में मुझे पैंट अच्छे नहीं लगे, तो मैंने अंदर जाके देखा, तो मुझे ये वाला ट्राउजर दिखा, और मुझे ना यही सेम टू सेम ट्राउजर चाहिए था, तो मेरी नजर पड़ गई, तो वो 400 बोल रहे भैया, बट मैंने उन्हें बार्गेन कराया, मैंने बोला भैया लास्ट आपको मैं 200 दूंगी, बट वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने 250 में से ले लिया। लेकिन आके मैंने ये जब साइज चेक किया तो यार मेरा साइज नहीं है, ये मेरे को थोड़ी सी छोटी हो रही है बस, ये एकदम हल्की सी, तो ठीक है मैं इसे किसी को दे दूंगी, बट ये बहुत ही प्रिटी है, देखो इसके ऊपर जो ये चेक्स वाला पैटर्न है ना, ये बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत लोगों को मैंने पहने देखा है इस टाइप का, और यहाँ पे ये हुक लगे हुए हैं जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये फुल लेंथ है, मुझे ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है अपने लिए, अगर मैं थोड़ी सी और लंबी होती तो मेरे में एग्जैक्ट आती, बट मेरे में ये थोड़ी लंबी भी है, एज वेल एज ये ऊंच, मेरे में तो लाइक कमर में आ ही नहीं रही है, तो मेरे लिए ये छोटी हो गई है, बट 250 में इस क्वालिटी में आप ले सकते हो। सरोजनी के हिसाब से आपको ये 100 में भी मिल जाता, मैंने मतलब बाद में देखा 100 वाला पैंट तो मुझे पता चला, बट ठीक है 250 में मुझे पैंट में कोई बुराई नहीं लगती, मुझे तो 500 में भी पैंट अगर कोई दे तो मैं ले लूँ, बट सरोजनी के हिसाब से आप 100 में भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको हीरो दिखाती हूँ अपने शो का। जब मैं दिल्ली गई थी तब मुझे मनाली भी जाना था, और मनाली में मुझे चाहिए था वॉर्म सा एक जैकेट या बहुत मोटा सा कार्डिगन, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा इतनी ठंड होती नहीं है, तो मैंने सबसे पहला जो खरीदा था वहाँ से ये कोट ही खरीदा था। तो ये ओवर कोट है एक, ये देखो इतना प्रिटी सा ये ओवर कोट है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पूरा यहाँ पे इसके वाइट कलर का फर लगा हुआ है, बहुत ही रिच फर लग रहा है, कोई भी एकदम हल्की क्वालिटी नहीं है, और इसका जो स्लीव्स है फुल स्लीव्स, यहाँ पे चेन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे भी चेन है, बस मुझे एक ना बाद में इसको खरीदने के बाद पता चला कि इसका ना यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन ना ये क्या होता है ना, जब आप इसको पहनते हो ना तो ये ऐसे इसको
ये वाली चीजों को ये ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है, यहाँ का पोर्शन तो ये दिखता ही नहीं है, नीचे तक भी ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये थोड़ा सा निकला हुआ है। तो मुझे ये बाद में लगा, देख खरीदने के बाद मुझे पता चला, और सिर्फ 300 की जैकेट है यार। मतलब 300 में आजकल क्या मिलता है, और इतनी वॉर्म है ये जैकेट, मेरा पूरा मनाली का ट्रिप इसी में निकला है, और इतना ज़्यादा ये वॉर्म है। देखो इसके अंदर का लाइनिंग बहुत ही मोटा सा है और काफी हैवी है ये जैकेट, तो मुझे ये पीस बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 300 में अगर आपको इतना अच्छा जैकेट मिल रहा है, इतना वॉर्म, तो लाइक कोई दिक्कत नहीं है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको सरोजनी ब्लॉग, आप लोग सबका फेवरेट होता है, तो मेरे वीडियो को भी लाइक करना और बहुत सारा प्यार दिखाना। और जब भी मैं नेक्स्ट सरोजनी जाऊंगी, तो मैं बहुत सारी और शॉपिंग करने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, फिर भी मैंने बहुत अच्छा किया है शॉपिंग में, मुझे पता है। 1000 में मैंने बड़ा वाला झोला मैं भर के लाई थी, तो मेरे लिए तो ये टोटली वर्थ था, ठीक है। तो मुझे बहुत मजा आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो। पार्ट 2 आने वाला है सरोजनी का, तो उसे मिस मत करना। और हाँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।